Hello and uh, welcome to another lecture on accent. If you remember, we have ended our previous discussion by briefly mentioning primary accent on second syllable. In today's lecture, we are going to carry forward with the discussion on primary accent on the third syllable with phonetic transcription so let us continue from here our word is affection our word is affection now the phonetic transcription of the same word is i am giving you every sound up here an alphabet ए दिस इज ए फिर क एफेफेफेक्ट आफेक, ये एफेक्टेशन है तो मैं एफेक्शन बता रहा था फिलहाल एफेक्शन एंड एफेक्टे अब है ट तो, ए टे एफेक टे शन एफेक् टे शन शक्टेशन कितने सेल्बुल का है एफेक वन सेल्बुल टे सेकंड सेल्बुल शन एफेक एफेक्टेशन एफेक ये इतने सेलबल का बनता है चार का फोर सेलबल का वर्ड है एफेक्टेशन ए आई श एक्ट न एफेक्टेशन फर्स्ट सेलबल सेकंड सेलबल थर्ड सेलबल एफेक्शन ये ये देखो ये निकाल दो टे यहां से एफेक्शन तो फिर क्या आ जाएगा हमारा ए एफेक्ट न How to put citrus on shun. This is our third syllable word affection, but our word is affectation. That means our, our third syllable is te, that is te shen There is no need, I think there is no need to write down the sound in Hindi or in Urdu because you all are aware of the same sound. Now I have to pronounce these sounds, and I have to give the sound of these alphabets so that you can completely understand. It is proper sound. Completely listen the proper sound. Now contradict. Tra है क, अ, क, अ, न, क, क, ट, ट, र, आ, कंट्रा कं ट्र डिक कं ट्रिक्ट दैट मीनस कन ट्र डिक्ट थर्ड सेलबल कंट्र डिकेशन अगर शन भी लिखेंगे टे शन कंट्र डिक्टेशन तो हमें यह नहीं लिखना है कंट्राडिक्ट हम कर रहे हैं कंट्राडिक्ट सो इन अवर प्राइमरी एक्सेंट वी हैव इन फ्रंट ऑफ दैट वी हैव टू पुट स्ट्रस ऑन थर्ड सेलबल ऑफ द वर्ड दिस इज आवर फोनडिक ट्रांसक्रिप्शन देन कंट्राडिक्ट कंट्रा अब हम यहां पढ़ते हैं कंट्राडिक्ट लेकिन है असल में कंट्राडिक कंट्राडिक फिर है डिमोनस्ट्रेशन डी म डी डि म अ डी म न डिमोन ये स डिमानस डिमानस ट्रे ट्रेसन डी मन स्ट्रेश, चार सिलेबल का वर्ड है एक दो तीन एंड चार शेन तो यहाँ हमारा थर्ड वर्ड पे ये लगेगा इधर स्ट्रेस एक्सेंट क्या है फिर डी वैसे तो लिखने की जरूरत नहीं थी फिर भी चलो लिख ही लेते हैं डी डी म डिम दिमा, नहीं डिम हिंदी का है डिमानस न स डिमानस यहाँ बिंदी लगेगी डिमानस ट्रे ए, शन, श न डिमोन अब हमें कैसे पढ़ना है इसको इसको हमें यह देखकर पढ़ना है कि यहां देखो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या है साउंड क्या बनती है हमें साउंड sound, हम साउंडस पढ़ रहे हैं फोनेटिक्स ड अ डि म अ न, द, म, द, म, द, म न मन म, स डिमोस ट्रे ट एन शिमान क्या पढ़ेंगे हम so, हमारे थर्ड सेलेबल है ये हो गया एक ये हो गया दो और ये हो गया तीन तो यहाँ पड़ेगा ये तो अगर आपको क्वेश्चन कल पूछा जाएगा पुड द सिडरस ऑन थर्ड सिलेबल देन यू शुड the वर्ड इन सिलेबल एंड सी which one portion is our third syllable which one sound gives us the third syllable it's third syllable sound then we should have to put accent on that purkha ma ma o o ma o t dwa ma 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 Modification, modification. Ma, au, au, tif, abhe, ma, t, modi, modifi, modifi, modification. Though, Mod Mod third syllable. Ma, au,

फिर लो रिज लो लो और ये मैंने आप लोगों को बताया है लॉन्ग वॉवेल है औ लि जू शूशन रे ज लो शन रे ज लो शन रेजोलूशन रेजी हम पढ़ते हैं इधर रेजोल्यूशन लेकिन रेजोलू शन ज आप ये भी लिखोगे मैंने आप लोगों को दो तरीके से ज बोला है तो आपका जो फोनेटिक्स है वो ज ऐसे भी आ जाएगा तो दोनों आ सकते हैं रे र ए रे ज़, जिजव रिज ल श, अ, न, शन तो अब आपको थर्ड ये सेलिबल डिवीजन आ जाएगा सेलेबल डिवीजन जब आता है आपको फिर आपको बोलेंगे पहले सेलेबल पे से ट्रेस कर दो सेकंड सेलेबल पे कर दो थर्ड पे कर दो फोर्थ पे कर दो आपको अब आप आ जाएगा अब सिर्फ हमने ये है कि हम जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ये हर एक वर्ड का लिख रहे हैं तो हमें सिर्फ ये जो साउंड इसमें बता रहा हूं फॉर एग्जाम्पल है र, ए, रे ज, ज, ज उ, रज लो लो शोषण रु शन फिर है खम डेशन कमन खमनेशन ख मैन खन डेषन क मैन डे शन कैसे क क मैन म ए ऐसे लिखते हैं न क मैन डे ड फिर ए, ए कमन ड एंड य ए शमंडेशन क यहां देखें क ये अ है अ ये आ है ग क म अ न कमन डेशन ड ए ए डे श श अ श अ न कमन डेशन क मन दो सिलबल क एक म दूसरा डे तीसरा शन पुत्र खमन देशन खमन देशन फिर क्या प पि प टि ने प टिने अ प टि ने शिने अ प अब यहां पढ़ेंगे पटिनेशियस लेकिन प टि ने शि ने शस पार्टिनेशस प टि ने जैसे यहां का मैन एक्सेल्पल एक सेलबल दूसरा सेल्बल तीसरा सेल्बल थर्ड सेलबल पे प्राइमरी एक्सेट अब यहां -ठी ने, तो ने पेश फिर क्या है ड ए डे र इ डेरिल रिलिक न डरिलिक्शन ड ए रिलेक्शन ड रिलेक्शन क्या है फिर द ए रि ड री ली डरिलिक लिक शन द री ख शन कितने सेल्बल शाबाश ये है हमारा ड रे लिक शन एक दो तीन एंड चार सेल्ब चार सेल्बल का है फोर्थ सेल्बल आर सो हमारा थर्ड वन जाएगा एक दो और तीसरे पे जाएगा इधर ड शन देखो एन अगर हम लिखेंगे आई एन डी ए पी डी पी ए एन इन डी पेन डी ई एन सी ई इन आप देखो एन डी पेन डेंस तो किधर लगना है अगर प्राइमरी सेटर्स वाले में पढ़ेंगे फर्स्ट सेल बिल पे तो इधर अगर हम प्राइमरी स्ट्रेस देखेंगे सेल सेलेबल पर पुट ऑन करनी है तो इधर अगर थर्ड सेलबल पर करनी है तो यहाँ पर फोर्थ पे यहाँ पर अब राइजिंग पिच फॉलिंग पिच दिखाना है तो राइजिंग पिच हमारा इधर रहेगा इन डे इन डे पेन एंड डेंस यहाँ थोड़ा रहेगा फॉलिंग और यहाँ लास्ट में भी फॉलिंग रहेगा इसी तरीके से डे रिल रिलिक्शन न देखो ये वाला वर्ड इसको देख लीजिए एन किले एन आ एन एन ए न एन खन आ एन खएन ख इंक ल ए इन क्लिक इन खि लेख न ए आई ए ये ए है ये ये ए आई ए, ए इकट्ठे बन के ए ने ए न ए ई ये ए दोनों मिलाकर ए देते हैं इन कली इन कली ने श इन ख फिर पढ़ेंगे कटे इन शाबाश ने अब कितने इन का है इन ने शन एक दो तीन चार सेलबल का है तो तीसरे सेलबल पे हमने स्ट्रेस करनी है एक्सेंट दिखाना है तो रहा ये इन खन शन शॉवर इन देखिए देखिए एक ए न इन ड एन डे दोनों ये इन ये डे इन डे स इन डे स प ए न in de se si, pen. Si, pen in de si, pen. Sa, a, sa, a, b, a, in de se si, pen in de pen so a, sa in de pen say say but in this पेन से सेबल अब क्या है हमारा इन डे इन डे पेन स्पेन सेबल इन डे स्पेन सेबल अब यहां पे कोई लोग इसको एक बना लेंगे इन डिस इसको एक बना लेंगे पेन को एक बना लेंगे सेबल को एक बना लेंगे तो ये ऐसे भी चार सर्बल बनेगा अब अगर कोई इन स्पेन अब यहीं तक पड़ेगा इन स्पेन सेबल स्पेन स की साउंड प के साथ मिलाकर इन डे स्पेन सेबल इन तो असल में हम पढ़ते हैं इन डिस पेन सेबल इन यहां देखिए इन डिस पेन सेबल तो फिर भी चार बनते हैं लेकिन अगर हम स की साउंड इसके साथ मिला देंगे तो यहां लगनी है स्ट्रस यहां लगनी है अगर हम इधर अलग अलग कर लेंगे इन डे स्पेन सेबल तब यहां लगनी है तब ये चार सेलबल का बन जाएगा शाबाश इन दिस, इन डे स्पेन सेबल ओके तो ये है हमारा ये हमारा थर्ड थर्ड सेलेबल पे हमारा एक्सेंट आ रहा था तो दैट वाज अव प्राइमरी एक्सेंट ऑन द थर्ड सेलबल एंड वी आर गोइंग नाउ इट इज वर्ड सेकेंडरी एक्सेंट विद फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन अब हमें सेकेंडरी एक्सेंट देना है एक्सेंट दे देना है फर्स्ट प्राइमरी प्राइमरी हम यहाँ करते थे सेकेंडरी इसने यहाँ दिखा दिया मेन इसकी प्राइमरी एंड सेकेंडरी फर्स्ट एंड सेकेंड वन तो पहले की ज़्यादा अहमियत दी जाती है सेकेंड की उसे काम दी जाती है अब फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है अब एक्सेंट का तो हमें आ गया है अब फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हम देखेंगे हमारे पास ये एफेक्टेशन एफेक्न एफेक्टेशन, एफेक्टेशन。एफेक्टेशन. एफेक्टेशन. 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 सिटस से हमारा जो पिच डाउन है तभी हमारा हम धीरे से ए बोलते हैं पिच डाउन है फैक अगर फ देखेंगे तो यहां हमारा ये यह, राइजिंग आ जाएगा एन यहां आएगा तो यहां आएगा डाउन वाला एफैक लेकिन हमें प्राइमरी हमें हमें सेकेंडरी एक्सेंट दिखाना है तो वो हमें यहां पे आ रहा है अब हमारा राइजिंग आ रहा है फॉलिंग आ रहा है और राइजिंग आ रहा है राइजिंग फॉलिंग राइजिंग ये होता है हमारा ये एक्सेंट एंड स्ट्रेस तो फिलहाल हमने ये वर्ड का उसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन देख रहे हैं वर्ड हमारा ये है उसकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ये है हम बिल्कुल यही पढ़ रहे हैं दिस इज आवर टुडेज टॉपिक एंड दिस इज आवर टुडेज डिस्कशन वर्ड विद इट इस फोनीटिक ट्रांसक्रिप्शन वी हैव टू अंडरस्टैंड द फुल फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ए वर्ड एंड वी हैव टू प्रोनांस द सेम वर्ड इन इट इस ओन फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इन इट्स ओन एक्चुअल साउंड डिस पोजिशन अब क्या है डिस पोजिशन मैं आप लोगों को दिखाऊं अगर हमने एक्सेंट देना है स्ट्रेस देनी है तो इधर लगेगी जे जे यहां लगेगा, यहां फिर से यह लगेगा राइजिंग स्ट्रेस डिस पाउजन अब हमें सेकेंडरी स्ट्रेस लगानी ये हमारी प्राइमरी स्ट्रेस आ गई देखो देखो माय डियर ये जो मैंने ऊपर लाइन के ऊपर रखा ये हमें हमारी ये हमारी प्राइमरी स्ट्रेस है ये प्राइमरी एक्सेंट है अब सेकेंडरी क्या है सेकेंडरी तो प्राइमरी के बिलो ही आ जाएगा इसलिए इधर डिस्पोजिशन क्यों क्योंकि हम अभी डी की जो साउंड है उसे हम स्लोली स्लोली साउंड को प्रोड्यूस कर रहे हैं तभी हम ऐसे कर रहे हैं डिस्पोजिशन मैंने आप सबको ये इन वर्ड्स का इन ये जो साउंड है इनकी बार इनके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जैसे कि हमारा ड है ड है, है स है हो गया डिस प ओ पा ओ तो ये ओ कभी अगर लॉन्ग लिखना हो तो हमें ऐसे भी आता है ओ डिस्पोज़ जैसे हमारे यहां पर सिर्फ अ है अ अस अ ये वाला जैसे आप पढ़ते हो अलिफ मदा अ या आ दिस प दिस ज़ जी, जी जी दिस प जी और ये ज़ जो, जो है ज आपको इधर भी ज है और साथ में अगर ये ज भी आ जाएगा कभी कभार ज है तो ये भी ज आ जाएगा कभी ज़ हमारा इधर ऐसे भी बनता है और ये दूसरा ज है इसके साथ भी अब क्या है श अगर इस के साथ टी इधर लिखा होगा तो है अभी ये नहीं है हमारे पास ये है तो है शौ। शिस्पिशन फिर है अ कंट्राडिक्ट Now this is the word contradict. Contradict. हम प्राइमरी स्ट्रेस पढ़ रहे हैं तो इसमें में अब हम सेकेंडरी स्ट्रेस पे हैं प्राइमरी मैंने आप लोगों को दिखा दी अगर प्राइमरी दि, अगर दिखा देंगे फर्स्ट सेलबल पे आएगा इधर फिर डिस्पोजिशन अगर सेकंड सेलबल पे आएगा तो सेकंड सेल्बुल यहां से बनता है पोजिट थर्ड सेलबुल शन से बनता है लेकिन हम प्राइमरी स्ट्रेस पे हैं अभी यहाँ कंट्रोडिक्ट कंट्रोडिक्ट अब इस पे आप गौर से जरा ध्यान दें कंट्राडिक्ट अगर आपको स्ट्रेस दिखानी है तो ड पे आ जाएगा कंट्राडिक्ट पे फुल प्रेशर आ जाता है कंट्राडिक्ट तो ये प्राइमरी स्ट्रेस डियर ये प्राइमरी स्ट्रेस ये सेकेंडरी स्ट्रेस कंट्राडिक्ट इधर डिमोनस्ट्रेशन मानस ट्रेशन डि मनस ट्रे शन डिमानस ट्रे शन अब इकट्ठे पड़ेंगे डि मानस ट्रे शन डि मानस ट्रन डिमानस ट्रेषन प्राइमरी स्ट्रस सेकेंडरी वन इधर डे मानस ट्रे ट्रे शन इधर लगेगा शन डिमोनस्ट्रेशन तो फॉलिंग राइजिंग फॉलिंग ये भी आ जाएगा साथ में डिमोनस्ट्रेशन दिस इज द डिमोन ओके डिमोनस्ट्रेशन डीमानस अगर हम ये कर लेंगे डिमोनेस्ट्रेशन देखो हम जो प्रोनाउंस करते हैं वर्ड तो हम असल में जो हमारे होट है हाउ वी कैन यूज आवर लिप्स

डिमानस ट्रेशन। अगर मैं डबल डॉट लगा के आई ये आई कर दू लॉन्ग वगैरह आई ई की साउंड कर दू तो ये डिमानस तो ये डीमानस्ट्रेशन ये बहुत सारे मतलब डिमॉन्स्ट्रेशन ऐसे भी बोलेंगे डीमानस्ट्रेशन ऐसे भी बोलेंगे डीमानस्ट्रेशन भी बोल सकते हैं लेकिन ये अब हर एक पे ऊपर है वो किस तरीके से इसको प्रोनांस करे तो हम इसे डिमॉन्स्ट्रेशन बोलेंगे उसके बाद क्या है मोटिफिकेशन माउटिफिकेशन म प्राइमरी इधर है हमारा सेकेंडरी वन माओ यहां यहाँ लगना है माओ माओ जैसे नोटिफिकेशन है ना नोटिफिकेशन हमारे पास अभी अगर वर्ड देखेंगे तो ये मार्टिफिकेशन अगर हम पढ़ेंगे यहां इंग्लिश तो मॉटिफिकेशन पढ़ेंगे की साउंड हम निकाल सकते हैं मार्टिफिकेशन लेकिन असल प्रोनाउंसिएशन असली ट्रांसक्रिप्शन असल में क्या है मोटिफिकेशन माओ

इट इज मैंने अभी भी कहा हम रेसोल्यूशन भी पढ़ेंगे रेसोल्यूशन भी पढ़ेंगे लेकिन असल में क्या है ए अ लू 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 शन, रे र एन रेजोल्यूशन रोशन रे जू शन लू शन अगर इसमें ये नहीं लगा होगा ये दो जो इसे लॉन्ग बना लेते हैं सिंपल सा यू होगा ओ तो ये हमारा बन जाता है रेजोल्यूशन रेजोलू रेजोल्यूशन लेकिन डबल डॉट है इसका मतलब हमने दो बिंदी सामने है तो हमें इसको खींच के पढ़ना है रेजोल्यूशन 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 खमनडेशन कमन खमनडेशन क खमन ड ई डन खमन टेन खमन डे शन तो इन्होंने इधर रखा है ना ये लगा के तो ये हमारा सेकेंडरी प्राइमरी अगर लगना है प्राइमरी एक्सेंट अगर लगना है तो कहा खमन टेन क्यों पे लगना है ख मन डे शन अब ये हमारा राइजिंग स्ट्रेस लगना है यहाँ पर तो ये हमारा प्राइम ये ऊपर का प्राइमरी आ गया ये प्राइमरी है तो ये सेकेंडरी है शाबाश शब्द खमंडिटोने शन डिटो डिटो मिनेशन डिटर्मिनेशन नहीं है हम पढ़ते हैं डिटर्मिनेशन नहीं है ये डिटर्मिनेशन है डिटर्मिनेशन डिटो मिनेशन डिटमे नई शन डिटमिनेशन डि टे मे नई शन एक दो तीन चार पांच पांच सेलेबल का वर्ड है फाइव सेलेबल सेलेबल्स वर्ड तो सो वही शुड वही कैन प्राइमरी अगर प्राइमरी एक्सेंट इधर सेकेंडरी इधर ट्रिशरी या थर्ड वन इधर फोर्थ सेलबल पे यहाँ फिफ्थ पे यहां यहाँ यहाँ हमने स्ट्रेस लगना है प्राइमरी प्राइमरीशन तो प्राइमरी स्ट्रेस लगनी है क्योंकि रुकती है डिटर्मिनेशन यहां भी डाल सकते हैं इधर भी हम डिटर्मिनेशन कर सकते हैं तो इस तरीके से हम सेकेंडरी सेलबल पे भी सेकेंडरी एक्सेंट भी दे सकते हैं और उसके बाद है तो ड अ इ ड य ड य ड ड य ड अ ए अ अ ड ड अ ड इ य इ ए ड ए A da ya da ya da e a da ya ma e da ma e da ya me e ma e da ya me ro e tre da ya me tre go a la e da ya me ट्रिकली, डायमेट्रिकली अब क्या है डायमेट्रिक डायमेट्रिकली डायमेट्रिकली इसने क्या दिखा इधर सेकेंडरी सेल्बल है सेकेंडरी एक्सेंट है डाया प्राइमरी एक्सेंट है फर्स्ट प्राइमरी एक्सेंट सेकंड सेलबल पल सेकेंडरी एक्सेंट, सेकंड सेलबल प्राइमरी ऑन सेकंड सेल्बल ये सेकेंडरी सेल्प डायामेट्रिक खेले डे रिलेक्शन अभी हमने पढ़ा डे रिलेक्शन ड एक्शन डे रिलेक्शन डी ड ए ए ए ए ये ए है? ये है थोड़ा सा ये अगर हम लिप्स को थोड़ा सा ए करते हैं यहां पर हम ई को ये जो ये है ई डी डी दे ये, ये ए जैसे हैं ये ई है ये ए है, ये जैसे हैं ये ई है डे री डी री ल ई ख डी रिलिक्शन डी रिलिक्शन डी रिक डी रिलिक्शन डी रिलिक्शन क्या है डी रिलिक्शन अब क्या है क्या पढ़ रहे हैं है? हम हम प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रेस पढ़ रहे हैं सेकेंडरी स्ट्रेस सेकेंडरी स्ट्रेस पढ़ रहे हैं शाबाश इन 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 शन इन खिलने शन इन खिलिनेशन आई एन ए न इन कल ए एन खेले ने न ए ये ए है ये ए ए आई जो ए है एन खेले ने शन एन खेले ने शन एन खेले ने शन आई ये जो एन है एन एन ए ये ए है ये क है एक एन एक स In x in x li la in x in x in x la k in x la co in x per ba la, k a b a la in x in in x

ये जो ए न एन एन ए स नक्स प लक्स अक्स ये हमारा सेकेंडरी रिस्ट्रेस मैंने आप लोगों को दिखाया अगर प्राइमरी में फर्स्ट सेलिबल पे तो यहां सेकंड सेलेबल पे तो यहाँ थर्ड पे यहां फोर्थ पे यहां अब अगर अब अगर आपको स्ट्रेस सिर्फ स्ट्रेस दिखाना होगा सिर्फ स्ट्रच दिखाना होगा फिर कहाँ लगेगा इन एक्स इन इन एक्स x खेबल इन एक्स इनबल इन एक्स फिली फिली खेबल इन एक्स फिली खेबल लेकिन ये हमारा क्या बन गया ये हमारा सेकेंडरी सेलिबल है ये हमारे फर्स्ट प्राइमरी सेलेबल है फिर क्या है माओठिन माउ माउठेनियर माउठेनियर तो यहां पर क्या है माउटेनियर माउटेनियर माउठेन माउठेनियर तो ये माउठेनी माउठठेन्यू माउठेन्यू तो ये हमारा है उसके बाद है इन डिस इन डिस इन डिस्पेंस एबल इन डिस्पेंस एबल ओके ये हमारा होप यू आर गेटिंग मी आपको समझ आ रहा होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं ये है हमारा फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जो हमें वर्ड्स हैं उसकी असल प्रोनाउंसिएशन जो है वो ही ये है वही हम पढ़ रहे हैं उसके बाद है शुपर शुपर सुपर एनिवेटेड सुपर एन सुन्यू एटेड देखो सु प्यू एन्यू ए ट स उ ये है स उ प अ र इधर भी अलर्ट प सु प ए न यू दोनों मिलाकर ए न यू ए यो यू, 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 यू ए न ए ए ट ए सुपर एनिवेटेड सुपर एनिवेटेड सुपर एनिवेटेड सुपर एनिवेटेड सुपर एनिवेटेड नहीं पढ़ेंगे सुपर ये जैसे इधर है सुपर एनिवेटेड सुपर एनिवेटेड अब हम पढ़ेंगे सुपर एनिवेटेड सुपर एनिवेटेड अब अब अगर हम देखेंगे सुपर एनिवेटेड तो ये तो समझ ही नहीं आ रहा है ये क्या है सुपर एनिवेटेड वट दैट हम हमें आदत है पहले से ही सुपर एनिवेटेड सुपर नहीं असल में इसको क्या पढ़ेंगे हम सुपर एनिवेटेड फिर क्या है एस -क, एस -क, रि, र इट एस क्रिक एस क्रिक एस, क्रि, व्री एस क्रिट्टो, एस क्रिट्टो, एस क्रिट्टो यहां पर क्या है? एस क्रिटोरी, एस क्रिटोरी, एस की टोरी यहाँ पर क्या है? एस क्रिटर, एस क्रिटर, एस की टर। फिर क्या है? आरोमैटिक, आरो, आर, आरो, आर, आरो, आरो

ये जो हमने फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पढ़ी ये समझ आया होगा किस तरीके से हम हमारे वर्ड का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन दे देते हैं क्योंकि ये आपको कल एग्ज़ाम में आता है आपके पास वर्ड लिखा होता है उसमें आपने फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन देनी है तो याद रखना फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आप ऐसे दे देते हैं उसमें अगर ये भी बताया जाए कि आप प्राइमरी ये जो प्राइमरी बेसिस पे फर्स्ट सिलेबल पे एक्सेंट दिखा दो तो आप ऐसे दिखाएंगे सेकंड सेलबल आप सेलेबल डिविजन कर लेंगे सेकंड पे कहाँ लगेगा थर्ड पे और अगर ये बताया गया कि सेकेंडरी सेलबल सेकेंडरी एक्सेंट कहाँ लगेगा तो मैंने जैसे इधर दिखा दिया आप बिल्कुल ऐसे ही सेकेंडरी सेलबल भी दे देंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में